आपको बता दें ये खबर भोपाल बीजेपी नेताओं कॉन्फ्रेंस की है। वहीं पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का बयान आया है, आपको बता दें ये खबर भोपाल से, जहां बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहीं पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि भोपाल नगर निगम के बंटवारे से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की कोशिश कर रही है कांग्रेस सरकार। उन्होंने कहा कि बीजेपी कानूनी कार्रवाई भी जल्द से जल्द करेगी, साथ ही उन्होंने सीएम से आदेश वापस लेने की अपील भी की है। उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि बीजेपी जल्द ही जन आंदोलन अभियान चलाएगी। आपको बता दें खबर भोपाल से, जहां बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसी के चलते पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का बयान आया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आशीष जी, बीजेपी नेताओं की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का बयान आया है, उन्होंने भोपाल नगर निगम के बंटवारे को लेकर बात कही है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, भोपाल नगर निगम को दो भागों में विभक्त करने को लेकर बीजेपी जन आंदोलन करने जा रही है, जनजागरण के माध्यम से लोगों के बीच में जाएगी। और इसी की जानकारी देने के लिए आज बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें पूर्व मंत्री और ऑल इंडिया मेयर काउंसिल के महामंत्री उमाशंकर गुप्ता ने साफ कहा कि किस आधार पर ये विभाजन किया है ये समस्या परे है। बीजेपी ने आशंका जताई कि संप्रदाय की दृष्टि से कांग्रेस सरकार ने केवल ये बंटवारा किया है, जो कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। इसमें अलग अलग उदाहरण तकनीकी पक्षों को साफ करते हुए उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि सरकार कैसे केंद्र की योजनाओं का बंटवारा करेगी, कैसे सेबी के बॉन्ड को लेकर जो जानकारियां या कार्रवाइयां होती है उनको कैसे विभक्त करेगी, और ऐसे कई मसले हैं जिनमें आने वाले समय में भोपाल नगर निगम के हिस्से करने में तकलीफ होगी। रही बात विकास की, तो विकास वार्ड छोटा हो या बड़ा हो, उसको उसके तकनीकी पक्षों को ध्यान में रखते हुए उनका विकास किया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस बार बार ये दुहाई दे रही है कि छोटे वार्ड होंगे तो विकास अच्छा होगा। इस पर उमाशंकर गुप्ता ने तंज कसा कि आपके जोनल कार्यालय को यदि और ज्यादा शक्ति संपन्न कर दिया जाएगा तो विकास, रखरखाव, संधारण और मूलभूत सुविधाएं, ये तमाम व्यवस्थाएं जनता के लिए आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद भी यदि सरकार नहीं मानती है तो कोर्ट का दरवाजा खुला है। इस मामले को लेकर बीजेपी हाई कोर्ट भी जाएगी और ये प्रस्ताव रद्द करने की अपील करेगी। जी चलिए, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि भोपाल से खबर, जहां बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उमाशंकर गुप्ता का बयान आया है। उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि बंटवारे से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की कोशिश कर रही है कांग्रेस सरकार, साथ ही सीएम से आदेश वापस लेने की अपील भी की है। उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि बीजेपी जल्द से जल्द जन आंदोलन अभियान चलाएगी।